हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल स्टडीज़। इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो WBCS के एग्ज़ाम में लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। WBCS के लास्ट 10 ईयर्स नहीं बल्कि 2008 से लेकर 2011 तक जो भी 2019 तक जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और ये हिस्ट्री का पार्ट्स है। ओके, हर पार्ट्स में आपको 2 या 3 साल के क्वेश्चन मिलेंगे और पांच पार्ट में इसको कम 4 या 5 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2019 की बात करें, 2019 में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसमें 40 से लेकर 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से पूछा गया है, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन से। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको डिफीट किया था? तो ये किया था आपका सेल्यूकस निकेटर को। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर है। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त जो मौर्य डायनेस्टी थी ये सबसे पहले नंदास को डिफीट करके आई थी। और अलेक्जेंडर की अगर बात करें तो अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था बैटल ऑफ हाइडसपस 326 बीसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया भी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसके साथ आपको दे रहा हूँ वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? तो इसमें से जो हरी सेन है डी, ये आपका समुद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। डी करेक्ट आंसर है, हरी सेन। और समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। इसके अलावा इनकी काफी सारी पॉलिसीज भी थी और इन्हें लिच्छा दोहित्रा ये भी इनको कहा जाता था, इनका टाइटल था। इसके अलावा अगर अश्वा घोष की बात करें तो ये कुशान पीरियड मौर्य पीरियड इसके कंटेम्परेरी थे। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है वो है बुद्धा चरिता। 2018 का प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धा चरिता का राइटर कौन है, तो वो थे आपके अश्वा घोष। और आर्यभट्ट की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफी चीज डिस्कवर किया है। ये कंटेम्प्रोरी थे आपका गुप्ता पीरियड के। और अभी 2019 का मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2019 का, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि पाई का वैल्यू किसके आविष्कार कौन थे, तो ये थे आपके आर्यभट्ट, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरित के राइटर कौन थे? तो रामचरित के राइटर थे संध्याकारा नंदी। सी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, और इसके अलावा अगर बाण भट्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका 2 बुक एग्जाम में काफी पूछा जाता है, एक है आपका हर्षचरिता और एक है आपका कदम्बरी। ओके, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बाण भट्ट के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कालिदास भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बुक्स बहुत सारे हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशाला विहारा के फाउंडर कौन है या फिर विक्रमशाला यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? तो ये है आपका धर्मपाल। धर्मपाल ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसके सारा जो भी आपके छोटे छोटे डायनेस्टी है उसके उसके आपका फाउंडर आपको पता रहना चाहिए, जो कि एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुलापनी फेमस आर्टिस्ट थे कौन से पीरियड के? ओके, सुलापनी फेमस आर्टिस्ट थे सेना पीरियड के। ओके, और सेना पीरियड के जो फाउंडर थे वो थे सामंता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साका एरा को किसने स्टार्ट किया था? साका एरा को स्टार्ट करने वाले थे कनिष्का। कनिष्का ने 78 AD में साका एरा को स्टार्ट किया था। और कनिष्का वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कुशान पीरियड के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। और कुशान पीरियड से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड कॉइन थे, सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन ये कुशान पीरियड में एंशिएंट में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन इशू हुए थे। इसके अलावा यहाँ पे बिंबिसारा और बिंदुसारा ये 2 अलग अलग व्यक्ति है। बिंबिसारा जो है ये हरियांग डायनेस्टी का रूलर है। आपने मगध किंगडम पढ़ा होगा, मगध किंगडम में बहुत सारे डायनेस्टी है, जैसे कि हरियांग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये हरियांग डायनेस्टी है, इसके रूलर थे, फाउंडर भी यही थे बिंबिसारा। ओके, और बिंबिसारा जो थे ये आपके बुद्धा के और बुद्धिज्म और जैनिज्म के टाइम के कंटेम्प्रेरी थे ये। ओके, और बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि अजात शत्रु थे, लेकिन अजात शत्रु नहीं थे। अजात शत्रु किस वक्त थे? जब बुद्ध का डेथ का टाइम था उस वक्त अजात शत्रु
थे ओके। और बिंदुसारा कौन थे? बिंदुसारा मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे, जो कि चंद्र मौर्य को मौर्य के बाद राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ ब्राह्मी किंगडम, ब्राह्मी किंगडम के फाउंडर कौन थे? तो ये थे आपके अलाउद्दीन ब्राह्मण शाह, सी आपका करेक्ट आंसर है। ब्राह्मी किंगडम भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी किंगडम के साथ विजयनगर एम्पायर भी काफी इंपॉर्टेंट है ओके। ब्राह्मी किंगडम का जो कैपिटल था वो था आपका गुलबर्ग, और गुलबर्ग से इसको फिर चेंज कर दिया था अहमद शाह ने, अहमद शाह ने इसको चेंज करके बीदार कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप ब्राह्मी किंगडम के राजा की बात करें तो आप ताजुद्दीन के बारे में पढ़ सकते हैं, ताजुद्दीन फिरोज शाह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अमीर खुसरू वाज द कोर्ट पोएट ओके। अमीर खुसरू किसके कोर्ट पोएट थे? तो अमीर खुसरू आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोएट थे। अमीर खुसरू जिन्हें पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड दीवानी फ्रॉम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी सिक्योर्ड किया था किससे? तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा शाह आलम टू, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने कन्नौज में, बैटल ऑफ कन्नौज में किसको डिफीट किया था 1540 में? तो शेर शाह ने डिफीट किया था हुमायून को, और इसके अलावा 1539 में भी इन्होंने हुमायून को डिफीट किया था ठीक है, वो था बैटल ऑफ चौसा। और एक 1540 में जो डिफीट किया था वो था आपका बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों में ही हुमायून की डिफीट हुई थी। फिर इसके बाद 1956 में अकबर ने पानीपत का सेकेंड वाला जंग वो लड़ा था, तो उसके बाद फिर मुगल आए थे यहाँ पे। इसके अलावा और बैटल की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ सामिल 1544, इसमें शेर शाह ने राजपूत फोर्ट को डिफीट किया था 1554। और शेर शाह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत सारा कुछ बनाया भी, जैसे कि आपका पुराना किला हुआ, उसके अलावा आपका ग्रैंड ट्रंक रोड काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने बहुत सारे कॉइन भी इशू किए, और इसके अलावा इन्होंने अपना टॉम भी बनाया था, कहाँ पे? सासाराम में अपना टॉम बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु डिस्कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जिसने डिस्कवर किया था वो थे आपके राखल दास बैनर्जी ओके। सी आपका करेक्ट आंसर है, राखल दास बैनर्जी। लेकिन क्वेश्चन अभी ऐसा ही पूछा जाता है कि ये थे मोहनजोदड़ो के फाउंडर ओके, डिस्कवर मोहनजोदड़ो को इन्होंने डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आए हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था ओके, तो हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी। इसके अलावा लोथल को किसने डिस्कवर किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, एसआर राव ने लोथल को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस पीपल को कौन सा मेटल के बारे में जानकारी नहीं था? तो ये है आपका आयरन। आयरन के बारे में जानकारी नहीं था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए ओके। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि इसमें से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते ही हैं और मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच पीरियड वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज्ड, वैदिक लिटरेचर कब कंपोज हुआ? तो ये हुआ आपका 1500 से लेकर 100,000 BC ओके। इसमें आपका वैदिक लिटरेचर कंपोज हुआ था। वैदिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जो है ये इसका टाइम आपका 1500 से 1000 BC, और जो लेटर वैदिक पीरियड है वो उसका टाइम है आपका 1000 से 600 BC ओके। चार तरह के वेद थे, आपको पता होगा ऋग वेद, साम वेद, ये सारे, और सारे वेदों के चार पार्ट थे। कौन सा वेद किस चीज से रिलेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो भी अथर्ववेद ओके। ये सारा कौन सा चीज से रिलेशन है इन सब का, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्यन का मतलब क्या होता है? वर्ड आर्यन जो है ये किसको डिनोट करता है? तो आर्यन का मतलब होता है रेस ओके। आर्यन जो आए थे आपको 1700 के टाइम सेंट्रल एशिया से, इनसे भी काफी क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी तीर्थंकर, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। 24 तीर्थंकर थे, सबसे पहला था ऋषभनाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, और लास्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 वो थे महावीर। इसके अलावा कभी कभी 23rd भी पूछे जाते हैं पारसनाथ के बारे में, तो ये सारे जैन से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट तीर्थंकर, अभी मैंने आपको बताया लास्ट तीर्थंकर कौन थे, वो थे महावीर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटका वाज रिटन इन, ओके त्रिपिटका कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ये है आपका पाली लैंग्वेज में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटका किससे रिलेटेड है, यह है बुद्धिज्म से रिलेटेड। ओके त्रिपिटका में कौन कौन से थे, तो इसमें थे विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभिधम्म पिटाका। ओके बुद्धिस्ट से ये सारे रिलेटेड थे, इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एंशियंट इंडिया में किसने अमित्राघाटा का टाइटल लिया था, अमित्राघाटा का जिसने टाइटल लिया था वो थे बिंदुसारा, बिंदुसारा थे मौर्य डायनेस्टी के रूलर, सेकंड रूलर। ओके और इससे बिंबिसारा से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिंबिसारा जो थे ये हरियाणा डायनेस्टी के रूलर थे मगध किंगडम के, और बिंदुसारा जो है वो मौर्य डायनेस्टी के रूलर है, और अशोका बहुत ग्रेट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो सभी को पता होगा सिरी गुप्ता इसके फाउंडर थे। अगर क्वेश्चन है गुप्ता एरा को किसने स्टार्ट किया था, तो गुप्ता एरा को स्टार्ट सिरी गुप्ता ने नहीं किया था, गुप्ता एरा को स्टार्ट करने वाले थे चंद्रगुप्त वन। ओके चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा स्टार्ट करवाया था, और फाउंडर जो थे वो थे सिरी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एम्परर हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर होगा, आंसर सी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ ससांग, ससांग का कैपिटल कहाँ पे था, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कर्ण सुवर्ण ससांग का कैपिटल था। ओके और आपको पता होगा ससांग और देवगुप्त ने, ससांग और देवगुप्त इन्होंने डिफीट किया था किसको, राज्यवर्धन को। ओके उसके बाद राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर जो थी, सिस्टर और उसके हस्बैंड थे, उसको मारा था, तो इसके अलावा इन्होंने ये लोग गए भी थे बदला लेने के लिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये जो हर्षवर्धन है वो रिलेटेड है पुष्यभूति फैमिली से। ओके पुष्यभूति फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, साका एरा को किसने इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके कनिष्का ने स्टार्ट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश, ओके माथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कब फ्लोरिश हुआ, तो ये कुषाण पीरियड के टाइम पे ही फ्लोरिश हुआ था, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, हु रोड बुद्धा चरिता, ये मैंने आपको बताया बुद्धा चरिता को किसने लिखा, तो ये लिखा अश्वा घोष ने, बी अश्वा घोष करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नागार्जुन ने क्या लिखा, नागार्जुन ने लिखा था मध्यामिक सूत्र, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके मध्यामिक सूत्र सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, विशाखा दत्ता भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ओके नंदा डायनेस्टी को किसने डिफीट किया था, मौर्य ने डिफीट किया था, तो यहाँ पे पूछ रहा है नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये थे महापद्मनंदा। ओके महापद्मनंदा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु बिल्ट फेमस अदीना मॉस्क्यू इन बंगाल, अदीना मॉस्क्यू को किसने बनाया था बंगाल में, तो ये बनाया था सिकंदर शाह, बी करेक्ट आंसर है, ये रिलेटेड है आपका ब्राह्मणी किंगडम से, जो मैंने बताया यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 27, आपको बंगाली पोएट का नाम बताना है जिसने टाइटल लिया था गुनाराज खान, ओके सल्तनत पीरियड में, तो ये था आपका मालादार भाष्यु, सी क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, और ये सारे क्वेश्चन अब 2009 के आ रहे हैं। सुल्तान सुल्तान का नाम बताना है जिसने इंट्रोड्यूस किया था रेशनिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से, जैसे कि इन्होंने रेशनिंग सिस्टम के अलावा मार्केट रिफॉर्म को भी स्टार्ट करवाया था, और बहुत लार्ज आर्मी थी इनके पास। इसके अलावा इन्होंने टाइटल लिया था सिकंदर सानी का, ठीक है अलेक्जेंडर द ग्रेट अलेक्जेंडर टू का इन्होंने खिताब ये टाइटल लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के राजा थे। इसके अलावा जो खिलजी वंश के फाउंडर थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जितने भी आपका दिल्ली सल्तनत है सारे पांच के पांच, पांच में शुरू के तीन डायनेस्टी ये सारे इंपॉर्टेंट है, खिलजी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेमस पोएट, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा फेमस पोएट है, ओके जिसने टाइटल लिया था पैरट ऑफ हिंदुस्तानी, मैंने आपको बता दिया ये थे आमिर खुसरो, डी करेक्ट आंसर है।
हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये क्या था, इल्तुतमिश ने स्टार्ट ओके और इल्तुतमिश जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर थे सिलेव डायनेस्टी के। अगर पूछा जाएगा सिलेव डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, तो ये इल्तुतमिश। ओके, हालांकि इसके फाउंडर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन मेन फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 31, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को कब इन्वेट किया था? ओके, बंगाल में तो इन्होंने इन्वेट किया था 1202 एडी में, या फिर अगर ऑप्शन में 1201 एडी रहा तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बैटल ऑफ तराइन किसके बीच लड़ा गया था? बैटल किसके बीच नहीं, मतलब मोहम्मद गौरी और किससे लड़ा गया था, बैटल ऑफ तराइन। तो ये बैटल ऑफ तराइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये दो बार हुआ था, एक बार 1191 में, एक बार 1192 में। जब 1191 में हुआ था तो इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे, और इनको किसने डिफीट किया था, पृथ्वीराज चौहान ने। ओके, सी आपका करेक्ट आंसर है, पृथ्वीराज चौहान जो 1191 में हार गए थे, लेकिन 1192 में जब फिर दोबारा बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो इसमें ये जीत गए थे गौरी, और इस वक्त क्या हुआ था, मुस्लिम किंगडम की बुनियाद डाली गई थी, इसलिए ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जिंदा पीर या लिविंग सेंट कौन से किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका औरंगजेब को। ओके, मुगल पीरियड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा भी है, और काफी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये इसको पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हु इंट्रोड्यूस कबुलयाद एंड पट्टा, कबुलयाद और पट्टा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये कहता है शेरशाह। मैंने कहा आपको शेरशाह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा को लिखने वाली थी गुलबदन बेगम। ये जितने भी है, अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा था, अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा था, और हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था। ये कौन थी? गुलबदन बेगम थी हुमायूं की सिस्टर या फिर कजिन थी। ओके, कजिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल विच कंट्री हरप्पन पीपल कैरी ट्रेड, हरप्पन पीपल जो थे किससे ट्रेड करते थे? तो ये करते थे आपका सूमर से, SUMER, सूमर। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज, सबसे ओल्डेस्ट स्कूल कौन सा है इंडियन फिलोसॉफी का? तो ये है आपका बी, संख्या, बी करेक्ट आंसर है। हु वाज मेगास्थेनिस, मेगास्थेनिस कौन था? काफी इंपॉर्टेंट, मेगास्थेनिस आपको पता होगा इंडिका के जो राइटर थे और जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आपका आए थे। ओके, तो ये कौन थे? ये थे आपका एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन से पीरियड में इंडियन हिस्ट्री के आर्यभट्ट एंड वराहमिहिरा ये दो साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे? ओके, तो ये मैंने आपको बताया गुप्त पीरियड के टाइम पे थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग थे गुप्त पीरियड के टाइम पे, उन सारे के बारे में पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। Who was author of राजतरंगिनी, राजतरंगिनी का ऑथर कौन है? तो राजतरंगिनी का ऑथर है वो कलहन, आपने पढ़ा होगा कलहन, राजतरंगिनी का ऑथर। नेक्स्ट, Who among the following सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कौन सुल्तान थे जो चाहते थे सेकेंड अलेक्जेंडर का टाइटल या फिर कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी थे इन्होंने टाइटल लिया था सिकंदर सानी का, तो आंसर है आपका ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इक्ता का मतलब क्या है? जो सल्तनत पीरियड में इल्तुतमिश ने स्टार्ट करवाया था इक्ता सिस्टम, इसका मतलब क्या है? ओके, इसका मतलब है द ग्रांट ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है इक्ता, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये भी पूछा था इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, इबादत खाना एट फतेहपुर क्या था? ओके, फतेहपुर में जो इबादत खाना है वो क्या था जिसको स्टार्ट कराया था अकबर ने, और ये था आपका एक रिलीजियस हाउस, हाउस ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ ऑल रिलीजन। यहाँ पे ऑल रिलीजन के बारे में आपका डिस्कशन हो रहा था, मुख्तलिफ तरह के लोग आ रहे थे वहां पे अपने अपने रिलीजन के बारे में डिस्कस करने के लिए। 44, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफिसर वॉज कॉल्ड बख्शी? ओके, अकबर के टाइम पे बख्शी कौन से ऑफिसर को बोला जाता था?
तो ये बोला जाता था आपका ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्क्वेर टेरिटरी इन इंडिया फाउंडेड द एम्पायर इन द नेम ऑफ एंकेस्टर, किसने इंडिया में अपना टेरिटरी को बनाया था, तो ये आप सभी को पता होगा बाबर ने और अपने नाम से ये में ईवी ओपन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, ओके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नादिर शाह में शाह ने इंडिया पे कब इन्वेड किया था, ये किया था आपका 1739 में, ओके 1739 में किया था, और यहाँ पे एक बैटल ऑफ करनाल भी किया था जिसपे इन्होंने मुगल को डिफीट किया था, किसको डिफीटेड मुगल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कमेंट करके ये बताइए को उस वक्त मुगल के राजा कौन थे जिस वक्त नादिर शाह ने इन्वेट किया था। ओके तो ये क्वेश्चन थे 2008 से 2010 साल के और ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद और भी पार्ट आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। और इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं।